हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन में इंट्राडे की पोजीशन को सेल कैसे करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। आपकी इंट्राडे की पोजीशन है, बाइंग पोजीशन है, उसे आपको सेल करना है। बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर्स में चले जाना है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होती है इंट्राडे की वो ऑर्डर्स में होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ के ऊपर एक मेरी पोजीशन है, जिसमें एक क्वांटिटी मैंने ली है। एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो, इसकी वजह से क्वांटिटी कम ली है मैंने। और एनटीपीसी पे 8 शेयर्स है, जिसमें मैंने क्या किया है, इंट्राडे की पोजीशन ली है। अब यहाँ पे मुझे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट करना होगा, सेल करना होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक। तो सेल करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करूँगा, एग्जिट के ऊपर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाके वीडियो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जिट अगर करना है तो सिंपली एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको लिखा आया होगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी 13 है। मेरे पास तो एक शेयर है, लेकिन एक ये 13 क्यों बता रहा है, क्योंकि आप इंट्राडे में जो है वो शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हो। तो शॉर्ट की पोजीशन के लिए मेरे पास कितना अमाउंट है, उतनी क्वांटिटी वो बता रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो पोजीशन है उससे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एग्जिट करके। अब एग्जिट किस तरीके से कर सकते हो, आप आपकी खुद की लिमिट प्राइस लगा सकते हो। यानी कि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऊपर वाला प्राइस चाहिए, 635.50 चल रहा है, लेकिन मैं बेचना चाहूँगा 636 पे, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो और रख सकते हो। या फिर आपको मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना है, तो आप मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट करके एग्जिट कर सकते हो। अब टोटल गेन और लॉस कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एप्लीकेशन चार्जेस आपको देखने हैं, एप्लीकेबल चार्जेस, तो आप यहाँ पर चार्जेस देख सकते हैं। जैसे कि एंजल ब्रोकरेज जो हो गया वो 1.59 रुपये का होगा। एक्सटर्नल चार्जेस यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं और टैक्सेस यहां पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे यहां पे 2.06 रुपये के चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप यहां पे एग्जिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करोगे, आप यहां पे देख सकते हो इंट्राडे की जो ऐसे सिक्योरिटीज की पोजीशन है वो एग्जिट हो गई है। 35 पैसे का लॉस मैंने उठा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको करके दिखाना था सारी चीजें, इसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें की है। तो 35 पैसे लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में जो पोजीशन है आपकी उसे सेल कर सकते हो बड़ी आसानी से। यहाँ पे कोई टी पिन ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि टी पिन जो होता है वो सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग में देना होता है। अगर आप होल्डिंग के शेयर बेचते हो तो ही आपको टी पिन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में जो आपकी पोजीशन है, स्टॉक जो है उसे सेल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।